तो हमारे अक्षय कुमार की एक और फिल्म दस्तक दे चुकी है, और क्या सच में ये फिल्म बढ़िया होगी या फिर नहीं, तो चलो देखते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है माइनर की लाइफ से, यानी कि जो हमारे कोयले की खदान में गड्ढा खोदते हैं उनकी जिंदगी से। इनसे पहले मतलब इनकी ड्यूटी से पहले इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होती है, हर कोई अपनी जगह एक पर्सनल लाइफ में बहुत ही खुश होता है। लेकिन रियलिटी तो ये है, इनकी गरीबी इतनी ज्यादा होती है कि अपने गरीबी के लिए इन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है। इस जिंदगी में बहुत ही बार ओवर टाइम करते हैं, लेकिन एक दिन जब ये ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम के दौरान ये गलत जगह ब्लास्ट करने के दौरान पानी का एक्सप्लोजन होता है और हमारे यानी कि जो माइनर्स हैं वो पानी में फंस जाते हैं, और कुछ माइनर्स ऑलरेडी उनको पहले पता होता है वो एस्केप हो जाते हैं। एक बंदे गलती की वजह से 71 माइनर्स उसमें फंसे होते हैं। तो फिर एंट्री होती है हमारे जसवंत गिल साहब की, हाँ द सुपर हीरो, हमारे आम भाषा में इस दुनिया के सुपर हीरो ही हैं जसवंत गिल साहब। ये आते हैं, अपनी टेक्निक लगाते हैं, कैसे इनको कैप्सूल वाली मशीन बना करके कैसे इनको निकालना है, ये टेक्निक को खोजते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर टाइमली हमारे वर्कर्स को निकालते हैं। और इनका जज्बा देख करके इनको सैल्यूट करने का मन करता है कि ये बंदे ने एक बहुत बड़ा काम किया था अपने टाइम में, और इस पर फिल्म बनाकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड अक्षय कुमार इस रोल में पूरा रियल जसवंत गिल वाली फील दे रहे हैं, और इतना काफी होगा इस मस्त और जबरदस्त कहानी के लिए। पॉजिटिव नंबर वन, अक्षय कुमार एज जसवंत गिल। तो बात करें अक्षय कुमार के जसवंत गिल के रोल के लिए, तो भाई एज सरदार एसेंट वो बहुत अच्छा रोल कर चुके हैं। हमने केसरी देखा, सिंह इज किंग देखा, सिंह इज ब्लिंग देखा, तो वो सरदार वाले टोन में भाई एकदम कमाल लाते हैं। एंड वो एक नेचुरल एक्टर हैं अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो उन्होंने काम किया बहुत ही हैविली इंस्पायर्ड, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मतलब जसवंत गिल के रोल के लिए इनसे अच्छा एक्टर कोई था ही नहीं। पॉजिटिव नंबर टू, रवि किशन एंड माइनर्स। अगर बात करें हमारे जो माइनर्स में रवि किशन का जो रोल, रवि किशन ने रोल किया हुआ है, भाई साहब इससे ज्यादा नेचुरल एक्टर मैंने कहीं नहीं देखा, रियलिटी बता रहा हूँ। इस बंदे ने एक्चुअल वो देसी बिहारी एसेंट डाला हुआ इस फिल्म में, वो देख के तुम कहोगे हाँ बंदा टैलेंटेड है। एंड जितने भी माइनर्स इस फिल्म में काम किए हुए हैं बढ़िया से बढ़िया, भाई सब ने एक गजब काम किया। और हाँ, वो हमें रियल सिनेमा भी फील करा देते हैं कि हाँ हम भी एक माइनर्स वाली जिंदगी जी रहे, वो फील करा देते हैं। पॉजिटिव नंबर थ्री, स्टोरी फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी एंड रियल लाइफ ली हुई है, तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस फिल्म की। और ये बात करें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की, तो फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ तक कोई भी 1% भी फिल्म आपको बोर नहीं करती है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको फिल्म बांधे रखती है और मजे पे मजा देती जाती है, एंड आपको रियल एंड रॉ सिनेमा वाली वाइब पूरी एंड तक देती है। तो एक रियल सिनेमा अगर देखना चाहते हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है। नेगेटिव नंबर वन, वीएफएक्स। अगर बात करें इस फिल्म के वीएफएक्स, तो वीएफएक्स इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि अक्षय कुमार की फीस इतनी ज्यादा है, अगर अक्षय कुमार जा किसी और कास्ट कर तो फिल्म बन भी नहीं पाती, एंड वो बात बन भी नहीं पाती। तो वीएफएक्स इस फिल्म का ठंडा है, अगर उस चीज को अगर तुम माइनरली इग्नोर करके जाते हो तो फिल्म तुम्हारे लिए फुल ऑन रावा से। और बात मेरे पे है कि फिल्म भाई फिल्म बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी है, एंड मस्ट वॉच फिल्म है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ तुम ये देखो। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, मेरे हिसाब से इस फिल्म को बहुत ज्यादा स्टार्स मिलने चाहिए क्योंकि मैं कभी स्टार्स नहीं था। और रही बात अगर इस वीडियो तुम्हारा प्रॉब्लम शाम पीडियम का, अच्छा कि बोलता तुमको शाम मिलेगा, ठीक अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बहुत जल्द।